कोई वर्ग नहीं, वहां कोई प्रशिक्षण नहीं। अभी मैं आज तक के इंटरव्यू में था, 3 दिन पहले मुझे प्रश्न किया गया कि वहां क्या पद्धति होती थी, तो मैंने कहा वहां ना एंट्री इंटरव्यू, ना वहां रहते हुए इंटरव्यू और ना वहां एग्जिट की इंटरव्यू। और आज इसलिए मैंने सौभाग्य का शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्था है, और ये आप लोग कान खोल के सुन लेना, ये अतिशयोक्ति नहीं है कि विश्व के अग्रणीय संस्थाओं से भी हमारी पार्टी आगे है एक लर्निंग अध्ययन की संस्था होने के रूप में। और यही वो अमृत है, यही वो संजीवनी है जो इस संस्था को जागरूक, सेवाभावी रूपी और सच्ची सही रास्ते पे सदैव रखती है। आज थोड़ा समय मुझे मिला लाल सिंह जी को सुनते हुए, जिस तरीके से अध्ययन करके आंकड़े पेश किए जाते हैं वही मूल मंत्र रहता है। और आज जो हमारा दायित्व है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक कार्यकर्ता होने के नाते, आपका दायित्व, मेरा दायित्व, मंचासीन लोगों का दायित्व, उस पर आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश में इस भारत माता के सच्चे सपूत जिन्होंने जन्म से अंतिम सांस तक भारत माता की रक्षा का संकल्प लिया था, फौजी थे और अंतरात्मा में एक दृढ़ संकल्प सेनापति भी थे, जनरल बिपिन रावत जी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस था, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका जी और उनके साथ में दस और हमारे आर्मी के सैनिक अकस्मात दुर्घटना में हम सब से बिछड़ गए। बहुत बड़ी क्षति हुई है, हम सब के लिए, केवल सेना के लिए नहीं, 130 करोड़ जनता के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि हम सब अपने अपने जगह पर उठकर 2 मिनट का मौन उनके स्मृति में धारण करें। हमारे देश में इस भारत माता के सच्चे सपूत
जिन्होंने जन्म से अंतिम सांस तक भारत माता की रक्षा का संकल्प लिया था, फौजी थे और अंतरात्मा में एक दृढ़ संकल्प सेनापति भी थे। जनरल बिपिन रावत जी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका जी और उनके साथ में दस और हमारे आर्मी के सैनिक अकस्मात दुर्घटना में हम सब से बिछड़ गए। बहुत बड़ी क्षति हुई है, हम सब के लिए, केवल सेना के लिए नहीं, 130 करोड़ जनता के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि हम सब अपने अपने जगह पर उठकर 2 मिनट का मौन उनके स्मृति में धारण करें।